हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2021। और यहाँ पे मैं दोनों तरह के बच्चों से बात करूंगा, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी या ठीक चल रही है और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है या फिर देव नॉट इवन येट स्टार्टेड। आई विल बी टेलिंग टू बोथ ऑफ देम एंड आई विल बी मेकिंग श्योर कि इस वीडियो को देख के आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे यू विल अकॉम्प्लिश योर गोल ऑफ बिकमिंग एन IITian जस्ट लाइक माई सेल्फ। तो सबसे पहले बात करते हैं यार उन लोगों से फटाफट से जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो यार आप लोगों को पता है क्या करना है, आप लोगों को बस दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप टेस्ट लगातार देते जाना। यार आप ट्राई करना कि प्लीज़ गिव एटलीस्ट 2 to 3 टेस्ट एवरी वीक। ओके, एंड वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज टेस्ट से क्या है, हमें अपनी गलतियाँ पता चलती है कि क्या है। ओके, सो टेस्ट में कभी भी कुछ गलती होगी, प्लीज गो टू दैट पोर्शन इन थ्योरी एंड ट्राई टू सॉल्व ऑफ योर क्वेश्चन सो दैट यू क्लैरिफाई दैट कॉन्सेप्ट। तो आप ऐसा दो तीन टेस्ट अगर लगाते जाओगे ना और जेई एग्जाम तक आप दे दोगे अगर 15-20 टेस्ट, तो आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, सो योर फोकस शुड बी ऑन दिस और ट्राई करो कि यार दिन में आप अपना जो भी बाकी काम चल रहा है उसके अलावा 6-7 घंटे आप रिविजन के लिए निकाल पाओ। ओके, एंड उसमें आप ट्राई करिए कि जो इनऑर्गेनिक वगैरह है उसको आप थोड़ा रिवाइज कीजिए कि भाई कोई चीज़ भूल ना जाए। थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के फॉर्म में चीज़ें कीजिए इन द केस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, सो यू विल फोकस मोस्टली ऑन योर रिविजन एंड टेस्ट सीरीज। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट दे दोगे बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सो आई डोंट नीड टू टेल यू गाइज मच, आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता हैं। अब हम बात करते हैं यार उन बच्चों से जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, बहुत कम प्रिपरेशन है, स्टार्ट ही नहीं किया है। ओके, तो यार अब आपके लिए चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोग जैसे किसी कोचिंग में भी जाते भी हो, कहीं प्लेटफॉर्म पे जाते भी हो, तो हमें पता है प्रॉब्लम क्या होगी कि कोचिंग्स में क्या है कि वो पूरा चैप्टर अभी पढ़ा रहे होंगे क्लास 12th के एंडिंग का। ओके, जैसे 12th है तो 12th के एंडिंग की चीज़ें चल रही होंगी एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशन कि आप वो चीज़ें पढ़ने बैठ जाओ। आपको क्या करना है अभी कि यार 2 महीने में जैसे तैसे एक बार मैं सिलेबस पढ़ लूँ बेसिक लेवल पे और फिर क्वेश्चंस वगैरह करके टेस्ट सीरीज PYQ लगा के मैं एग्जाम एटलीस्ट देने लायक हो जाऊँ कि भाई एक अच्छा डिसेंट स्कोर मेरा हो जाए। ओके, दैट इज वॉट यू वॉन्ट। यू डोंट वॉन्ट कि भाई मैं तो 12 घंटे तक बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहा हूँ लास्ट में बैठ के। ओके, तो ये चीज़ इसलिए आपको प्लेटफॉर्म्स पर हेल्प नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये भी कि यार अगर आप हो सकता है कहीं पर रिविजन कोर्स वगैरह चल रहे हो, तो रिविजन कोर्स उन लोगों के लिए होता है यार जो पहले से सब चीज़ पढ़ रखी होती है, जिन्होंने उनके लिए नहीं होता है जिन्होंने कुछ पढ़ नहीं रखा है स्टार्टिंग से। ओके, तो वहाँ पे फर्दर प्रॉब्लम होती है कि यार अब हम कोचिंग में कहीं जाएं तो यहाँ पे हमें या तो पूरा चैप्टर पढ़ा रहे होंगे एंडिंग का या फिर रिवीजन करा रहे होंगे, दोनों ही चीज़ हमारे लिए नहीं है। दोनों चीज़ें टॉपर बच्चों के लिए है जो एकदम स्टार्टिंग से हर चीज़ फॉलो कर रहे थे एंड दोज हु हैव प्रिपेयर्ड थिंग्स वेल। ओके, तो हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अल्टरनेट भी बताऊंगा यार जो लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो माय रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि आपको एकेडबूस्ट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। क्यों? अब आप बोलोगे कि अरे आपने तो ऐसे ही बोल दिया आपका प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। मैंने प्लेटफॉर्म बनाए आप लोगों के लिए यार जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चलती है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है सिलेबस कवरेज करने में, क्योंकि टॉपर्स को तो हर बंदा कैटर कर रहा है। ओके, आई वॉन्ट यू गाइज टू बिकम लाइक मी, दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म। मैं बताता हूँ वहाँ पे मेरे जो कोर्सेस है ना वहाँ पे, वो इस तरह से बने कि यार 1 to 1.5 या मैक्स 2 आवर्स के अंदर आपका हर चैप्टर में पढ़ा दूँ। अब वो 2 आवर्स पे कैसे लेके आए कि जो बिन मतलब की चीज़ें होती है ना, बिन मतलब के प्रूफ्स हैं, बिन मतलब की चीज़ें जिनका कोई यूज़ ही नहीं है जेई प्रिपरेशन में, उन सबको काट दिया है और केवल उन्हीं चीज़ों को रखा है जो आपको स्कोर बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आप मेरे वाले कोर्सेज की थ्योरी पढ़ोगे, फिर वहाँ पे मेरे जो क्रैश कोर्सेज हैं उनको सॉल्व करोगे, फिर हम जो टेस्ट सीरीज देते हैं वो लगाओगे, फिर हम जो DPPs देते हैं वो लगाओगे। और अगर किसी को डेप्थ में जाके पढ़ना है कि भाई यार मुझे तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, प्रूफ सब चाहिए, तो हमने वैसे टीचर्स भी ला रखे हैं। तो इससे क्या है कि यार एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी है ना अभी तक, इवन ही और शी कैन स्टडी एंड इवन ही और शी कैन एस्पायर टू गेट अ ग्रेट रैंक। ओके, सो माय रिकमेंडेशन टू यू वुड बी इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, जो नहीं कर सकते उनके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है। ओके, तो आपको अभी बिना सोचे हुए आपको जाना चाहिए वहां पे एंड ट्राई टू टेक एटलीस्ट अ 6 month सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 6 month मैं तो कहूंगा कि यार अगर आप 1 साल का लेते तो बेटर है, क्योंकि वो आपके जेई एडवांस बिट्स तक चलेगा और एग्जाम थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो लिंक ऑफ द ऐप एंड द वेबसाइट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आपको ये चीज करनी चाहिए। अब अगर आप ऐसा बोलोगे कि यार नहीं मैं तो नहीं कर सकता, कोई बात नहीं यार आपकी भी हम हेल्प करेंगे। अगर आपने चीजें खुद से नहीं पढ़ रखी और आप खुद से करने वाले हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इजी टॉपिक सेलेक्ट करो। इजी टॉपिक्स कौन से होते हैं? केमिस्ट्री पूरा इजी हो गया, ठीक है, फिजिक्स के अंदर इजी टॉपिक्स कौन से हो गए, एक आपका मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा हटा दो, उसके अलावा सब इजी है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स आपका पूरा इजी है, मॉडर्न फिजिक्स पूरा इजी है, थर्मोडायनेमिक्स पूरा इजी है, वेव्स पूरा इजी है, और ये सारे के सारे 50% वेटेज लेके रखते हैं। ओके, तो अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए जो इजी हैं, ये आप पढ़ सकते हो अभी। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं यार यूट्यूब पे जिन पे आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। थोड़ा एफर्ट लगेगा, आप उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाओगे जितना जिनको मैंने बोला ना सब्सक्रिप्शन में आ जाओ, उतना आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छा स्कोर हो जाएगा पक्का।
और फिर ये चीज़ें आपने कर ली ना, देन ट्राई टू सॉल्व PYQs ऑफ दिस। PYQ क्यों? क्योंकि आप कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो वो IIT वाली फील नहीं आएगी। यू डोंट वांट कि आप इधर उधर कोचिंग की चीज़ें करो, आपके पास लिमिटेड टाइम है। यू वांट दैट यू सॉल्व एग्जैक्टली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच विल कम इन योर एग्जाम, एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज विया योर PYQs। ऑलराइट, एंड द लास्ट थिंग विच आई वुड से टू यू इज कि आपके पास जब एक महीना बचा हो ना एग्जाम में, तब आप टेस्ट प्रिपरेशन करना चालू कर डालो, टेस्ट की तैयारी करना तब से चालू कर डालो आप लोग, कि फुल सिलेबस के टेस्ट दिया करो। ठीक है, टेस्ट मिल जाते हैं यार, अभ्यास ऐप वगैरह बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी चीज़ें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यू कैन ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक है, और मैंने आपको शायद मैथमेटिक्स के इजी टॉपिक्स नहीं बताया, तो मैथमेटिक्स में इजी टॉपिक्स कौन सा आ गया? आई थिंक एलजेब्रा इजी है थोड़ा, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज बायनोमियल इजी चीज़ें हैं यार। कैलकुलस इग्नोर करना, अभी कैलकुलस थोड़ा डिफिकल्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं कहूँगा कि उसमें आप टेंजेंट नॉर्मल वाली चीज़ को अवॉइड करना, बाकी ईजी है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वाला पूरा पोर्शन ईजी है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक वो नहीं होती वो ट्रिक वाले क्वेश्चंस, उनके अलावा सब चीज़ें इजी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी काफ़ी इजी टॉपिक है। वेक्टर्स एंड 3D में देखो, 3D के अंदर काफ़ी इजी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, और उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो ये आपको मैंने दोनों तरीके की चीज़ें बता दी। तो आई विल रिवाइजिंग व्हाट आई सेड इन दिस वीडियो, ध्यान से सुनना यार अगर किसी ने नहीं सुना हो तो। सबसे पहले जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चली, यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ फोकस ऑन टेस्ट, प्लीज़ फोकस ऑन डूइंग एज मच रिविजन एज यू कैन। ओके, एंड ट्राई करना कि जो केमिस्ट्री या जो रटने वाली चीज़ें उनको आप रिवाइज करते जाओ, कि वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। ओके, सो यू नो व्हाट टू डू, आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है इस वीडियो की, अपना जो तरीका है उस पर कंटिन्यू रखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना बस। ओके, सो दैट वॉज फॉर देम। जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, स्टार्टिंग की है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए यही है कि आपको अकेडमी पे सीधा आना चाहिए। ओके, वहाँ पे हम आपके लिए ही वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उनके लिए वो ज़्यादा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो वहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा बहुत ही जल्दी, फास्ट पेस में क्रैश कोर्स रिवीजन भी हो जाएगा, और आपका टेस्ट सीरीज DBP सब कुछ आपको मिल जाएगा। किसी को कोई टॉपिक डेप्थ में पढ़ना है तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि यार आप इजी टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, जो मैंने वीडियो में बता दिए रफली, उनके आप फटाफट से यूट्यूब पे या कहीं से भी, आप यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाते हैं यार, और आपके बुक्स वगैरह भी आती हैं HC वर्मा NCERT blah blah blah, ट्राई टू सॉल्व देम, देन ट्राई टू सॉल्व PYQs ऑफ दोज टॉपिक्स, और लास्ट के वन मंथ में जितने टेस्ट दे सको उतना अच्छा। ओके, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एज इफेक्टिव, बट दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू सम पीपल। ओके, प्लीज लेट मी नो द कॉमेंट्स वॉट फर्दर थिंग्स यू वॉन्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कमेंट करके बताओ कितना परसेंटेज लेके आओगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट कर देते हैं तो हम ठान लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लव्ड इट, एंड लिंक्स ऑफ एवरीथिंग, लिंक्स ऑफ माई सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक्स ऑफ Academy Boost app, everything is given in description. I hope you check them out.